Yeah.
कर लिया, उसके बाद अगला दुश्मन हमारा कौन है? अगला दुश्मन हमारा है कि वहां पे कुछ जहरीले जानवर हो सकते हैं। उन जहरीले जानवरों से बचने के लिए हम क्या करेंगे? तो जो हमारे पिंडी लोग हैं, अब वो मैं इशारा करता हूँ और आप लोग से बोलेंगे बहुत बहुत देखिए तो हमें फिर किस सुरक्षा के लिए क्या कर दीजिए आपको किस सुरक्षा के लिए और काम की सुरक्षा के लिए Thank you.
हमारी है फिर उसके बाद एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग। एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग का मतलब क्या है, जो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, जैसे है उसके हैं वो सब इसके अंदर हमें लिखना है अच्छी मौसम के बाद, ठीक है। उसके बाद हमें ये भी देख रहा है कि रेस्क्यू का सामान हमारे पास है या नहीं, रेस्क्यू का सामान मतलब पहले कितनी है कि नहीं है, वस्त्र प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि जैसे जो आपने बताया हेलमेट चश्मा ईयर प्लग जाएगा, टिकट फिर भी नहीं जाएगा जब तक वो अपने पास नहीं है।
Thank you.
किया, गिरे, जैसे ही गिरेंगे तो ये ऊपर आएगा आएगा और ये सामान कहाँ जाएगा, सामान कहाँ जाएगा, सामान नहीं खाएगा, दोनों गोलियां बाहर रखेंगे, ठीक है। तो काली पीजिए कि ये टाइट होना चाहिए। अब चलो मान के चलते हैं कि ऊपर से तो बचिए, नीचे भी जाना काम कर रहा है, ठीक है। काम करते करते अच्छा लगे यहाँ पे, जरा लेट हो, ये लेट है काम से, सुनो ये आदमी बेहोश हो गया, क्लियर है। अब तो हमारा ट्राइपॉड है वो कितनी दूर, क्योंकि अंदर जाने का रास्ता कहाँ है, दूर है, बात समझ में आ रही है, हाँ। तो हमारा ट्राइपॉड दूर लगा हुआ है, अब क्या करेंगे इसको खींच के वहां तक लेके जाना पड़ेगा या नहीं, लेके जाना पड़ेगा। और अगर इसमें हाथों से रहना है तो आसानी से खींच तो सकते हैं हम, आसानी से इसको क्या करेंगे यहाँ से पकड़ेंगे और ऐसे खींचेंगे, ठीक है। ये इसको ऐसे करके खींचते हुए ले जाएंगे, लेकिन जब ऐसे खींचेंगे तो ये सामान कहाँ जाएगा इसका, क्योंकि ढीला होने की वजह से सामान मिल जाएगा और आदमी किसकी वजह से, बचाने वाले की गलती या जिसके कहना है उसकी गलती है, कहने वाले की गलती है। अगर कोई आपकी जान बचाना नहीं चाहेगा तो आपकी गलती की वजह से आपकी जान जा सकती है या नहीं जा सकती, जा सकती है, जा सकती है, जा सकती है। एक बार शाम के लिए जोर से ताली बजाते हैं, इसको टाइट रखना है या नहीं रखना, टाइट रखना है, इतना टाइट रखना है कि हमारा दो हाथ ऐसे चला जाए, ज़्यादा टाइट नहीं और ज़्यादा ढीला नहीं, ठीक है, कितना रहेगी मतलब, ऐसे जैसे पैंट पहनने के बाद जेब में हाथ डालते हैं ना, वैसे ही हाथ को पहनने के बाद अपना हाथ डाल के देख लिया हाथ इतना ढीला है, और ये पकड़ में आना चाहिए, ये पकड़ में आना चाहिए, बस ये दो चीज़ें, ये हाथ जाना चाहिए और ये पीछे पकड़ में आना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें हो रही हैं इसका मतलब हमें सही से बैठ करना, ठीक है। एक बार फिर से चालू के लिए जो सारे आगे हम लोग अब तीन लोग कम से कम तीन लोग थे, एक तो ये हो गया, कुछ दो और आ जाओ, कितने लोगों की टीम है हमारी, मिनिमम कितने की टीम बताइए हमने, तीन की, तो तीन आदमी आ जाओ, तो एक क्या हो गया, दो और आ जाओ, खाने के लिए एक पूरा जैसे हम काम करने जाएंगे उस तरीके का पूरा माहौल सेट करने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर जंग का माहौल बनाएंगे, ये मान के चलेंगे कि हमारा छोटा सा घर खाली, ठीक है, कि हमारा बोलोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। ये हमारा कंटेनमेंट स्पेस है, इसके अंदर से जाकर के नीचे हमारे साथियों को काम करना है, ठीक है। तीन लोगों की टीम है, इसमें से एक फोरमैन भी आ जाए, बन जाओ या कोई भी फोरमैन बन जाओ, अरे दोस्तों अपनी टीम के लिए जोर से ताली बजा रहे हैं। राजू जी फोरमैन है, आपका नाम श्याम कुमार, सद्दाम हसन, सब कुछ और रसिया, ये आपकी पूरी टीम हो गई, ठीक है। इनको आपकी कंपनी ने कहा कि भाई नीचे जाकर के केमिकल की
क्या करना है? वोटिंग करनी है। हमारा कंप्लाइंट स्पेस है उसमें कैंसिल करने के लिए टीम जा रही है, ठीक है। फोरमैन साहब कहाँ जाएंगे? सेठी साहब, सेठी साहब ने कहा बात है, उन्होंने क्या मांगा? Thank you.
ये हमारा टाइपोन खड़ा हो गया, कहाँ खड़ा होगा? इसके नीचे जाने के लिए क्या लगी होगी? अंदर जाने के लिए क्या लगी होती है? सीढ़ी होती है कि नहीं? जोर से सीढ़ी होती है, तो लैडर लगा होगा, ठीक है। अब हमें लैडर से नीचे जाना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या लैडर से नीचे जाते समय और लैडर से ऊपर आते समय हम गिर सकते हैं कि नहीं गिर सकते? जोर से बोले, गिर सकते हैं, चोट कर सकती है, जान जा सकती है। तो हमें नीचे डर से जाते समय और आतंकता होनी चाहिए, इसके लिए हमारे पक्षा होना चाहिए। ये टैंकोलर कॉलर रहेगा, ये रहेगा यहाँ पर, तो लगाने के लिए क्या वो जबरन अरे वीडियो जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? अगर ये यहाँ तक चला
हम जैसे साथी जो अंदर जाके इस तरीके की हरकत करते हैं,
वो अपना जान तो जोखिम में डालते ही डालते हैं, साथ में हमने दूसरे की भी जान जोखिम में डाल दी। क्यों? उसकी भी जान जोखिम में है, जब तक ये निकले नहीं वो कैसे निकले वो जो वो भी टेंशन में है, सही है कि नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो हमारे पास कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए निकालने का? जोर से होना चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेस्क्यू ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? रेस्क्यू ट्राइंगल। ये हमारा एक आदमी इसको पहना सकता है। कैसे? इसको ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करेगा और ये लगाए ऐसे डालेगा, पहनाओ इसमें ऐसे दिखा दो, और ऐसे थोड़ा सा आगे आप
ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। जैसे ही नीचे आए पहले ही इसको क्या किया है बता दिया है कि भाई इसकी तबीयत हमारी खराब हो गई है, इसने क्या किया है नीचे रेस्क्यू में डाला हुआ और बोला कि ये लो कहाँ लगाओगे दोस्तों। अगर ये सेफ्टी बेल्ट है पहनकर हम काम कर रहे हैं तो आसानी से और जल्दी हमारी जान बचाई जा सकती है, आसानी से और जल्दी। लेकिन अगर हमने सेफ्टी बेल्ट अंदर जाके निकाल दिया है तो हमारी जान जोखिम में भी रहेगी और जल्दी बच भी नहीं पाएगी। पता नहीं हमारे पास उस समय रेस्क्यू ट्राइंगल होगा या नहीं होगा, ठीक है, और होगा भी तो पता नहीं कहाँ हो सकता है कि जो है इसको रूम के अंदर हो कहाँ हो, और उसके आने तक तब तक तो मेरा साथी जो है ऊपर चला जाए। और अगर हमारे सेफ्टी बेल्ट पहना है तो आसानी से और जल्दी हमको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। बाहर में जो है मेडिकल का स्टेशन लगा रहेगा, फर्स्ट एड की टीम तब तक आ चुकी होगी क्योंकि हमारे वॉचर साथी ने सबको क्या किया है फोन करके बता दिया है, तो सब लोग आ करके रेडी हैं। निकाल के बाहर उसको देखा और फटाक से ना मेडिकल के लिए भेज दिया। अब सिचुएशन आपके ऊपर है कि आप कौन सी सिचुएशन बनाना चाहते हैं, पहली या दूसरी। अगर कायदे से पहले तो कोई सिचुएशन ही ना आए, लेकिन अगर आती भी है तो हम हमेशा दूसरी सिचुएशन को प्रेफर करेंगे कि सारे सेफ्टी नियमों का पालन करें, सारी चीज़ों का सही तरीके से प्रयोग करें, हमारी जान बचा ली जाएगी। दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कन्फाइंड स्पेस के अंदर जब हम काम कर रहे होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कब इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी हमें मालूम नहीं है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा खत्म होने लग गई हमें चक्कर आने लगेगा, हम गिर जाएंगे। 3 मिनट तक अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले, अगर 3 मिनट तक इसका मुंह अगर मैं ऐसे बंद कर दूं हवा इसके शरीर में ना जाए आदमी मर जाएगा। कितने मिनट? 3 मिनट। 3 मिनट के अंदर, तो उस 3 मिनट के अंदर उस बेहोश आदमी को हमें क्या करना है, तीन के बाहर भी लाना है, मेडिकल भी देना है, और ये सारी चीज़ें 15 मिनट के अंदर होनी चाहिए। 3 मिनट के अंदर उसको हवादार जगह पे ले आना है जहाँ पर हमारा ट्राइपॉड बेंच लगा हुआ है खींच करके, और उसे बाहर 15 मिनट के अंदर उसको बाहर निकाल करके फर्स्ट एड दे देना है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन होगी बिना सेफ्टी बेल्ट के होगा तो क्या हम 15 मिनट में इसे बाहर निकाल लेंगे? अगर हमारे पास सेफ्टी बेल्ट पहन के काम कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन हुई तो क्या हम 15 मिनट के अंदर निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमेशा दूसरी सिचुएशन को जो है आपने पालन करना, क्लियर है, कोई डाउट? अपने तीनों साथियों के लिए जोर से ताली बजा कर के लिए अभी सिचुएशन खत्म नहीं हुई, अभी सिचुएशन खत्म नहीं है, इसीलिए उसको पकड़ के रखता है। दोस्तों अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और आखिरी सिचुएशन है, क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट और आखिरी सिचुएशन। हमने सारा काम खत्म हो गया हमारा, ठीक है, काम खत्म हो गया, दो दो
एक्चुअल में दो सिचुएशन है, सॉरी, एक तो ये सिचुएशन है जो एक्सीडेंट कब कब होता है, मैं वो वाली सिचुएशन बता रहा हूँ। दुर्घटना वाली मेन सिचुएशन कब है कि सारा काम खत्म होने वाला है, अब सिर्फ 5 मिनट का काम रह गया। कितने मिनट का? 5 मिनट का काम रह गया है। मेरी तबीयत अब ठीक नहीं है, मुझे लग रहा है कि, देखो जब हमारी तबीयत खराब होने वाली होती है हमें पता चल जाता है कि हमारी तबीयत खराब होने वाली, जोर से बोले, पता चल जाता है, अब हमें पता चल रहा है। लेकिन जबरदस्ती के साथ हम वहां पे रहते हैं, अरे यार 5 मिनट का काम बस थोड़ा थोड़ा कर देता हूँ फिर इसके बाद जाऊँगा, और यही 5 मिनट मेरे दोस्त, यही 5 मिनट हमारी जान ले लेते हैं। अगर कभी भी ऐसा लगता है, चाहे वो 1 मिनट का काम रह गया हो, चाहे वो 10 मिनट का हो या 10 घंटे का काम हो, जैसे ही आपकी तबीयत में कुछ गड़बड़ लगती है, इमीडिएट वहाँ से कहाँ जाना है, बाहर आ जाना है, कन्फाइंड स्पेस से पटक से ना बाहर आ जाना है, अंदर में नहीं रहना, काम के पीछे मत भागना कि नहीं 2 मिनट का काम रह गया निपटा के करो, नहीं, जान रहेगी तो निपटा लेंगे, जान ही खत्म हो जाएगी तो निपटेगा। इसलिए सबसे बड़ी चीज होती है हमारी जान, तो जैसे ही होगा भागेंगे। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन जिसमें एक्सीडेंट होता है वो क्या है, बढ़िया सर पूरे दिन इन्होंने काम किया, पूरे दिन काम किया, काम करने के बाद उनके ले जा करके स्टोर में रख दिया अच्छे से, समझ में आ रही है बात। जब घर चलने लगे अचानक से याद आया, अरे यार मेरा घर की चाबी, मेरा कुछ बटुआ, वो तो अंदर ही रह गया, ऐसा होता है या नहीं होता है? होता है सबके साथ हो जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, सेफ्टी वाला भी नहीं है, फोर्समैन भी नहीं है, क्या करते हैं, छोड़ना यार सीधा, सही है गलत है, हम ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। आज और अभी से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, उसका कारण बता रहा हूँ कि जब आप अंदर केमिकल लगा करके आए थे उस समय ब्लोवर चल रहा था, एग्जॉस्ट फैन चल रहा था, उस समय वहाँ का हवा जो है 19.5 था, लेकिन जब आपने सब कुछ बंद कर दिया, ब्लोवर 1 घंटे से बंद पड़ा है, आप 1 घंटे के बाद 2 घंटे में जो है आपको याद आया कि मेरा सामान नीचे रह गया है, और 2 घंटे के अंदर क्या वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा 19.5 होगी या नहीं होगी? जोर से नहीं होगी, हमें नहीं मालूम है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप अंदर चले गए और हवा की मात्रा कम हुई, आप वहीं पे चक्कर खाते गिर जाओगे, आपने किसी को नहीं बताया कि आप कहाँ गए हो, 1 दिन 2 दिन क्या हो सकता है कि वो तो आखिरी दिन था काम का, जो है बात समझ में आ रही है, आखिरी दिन का काम था और आप जो है अंदर गए, सब लोग ढूंढ रहे हैं, कह रहे यार हमारा साथी है कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, किसी को ये खबर नहीं होगी कि वो साथी तो दोबारा अंदर गया है, ठीक है। तो जब भी अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन आती है तो सबसे पहला काम आप अपने फोरमैन को बताएंगे और अपने सेफ्टी साहब को बताएंगे। सेफ्टी साहब को बताना बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी साहब को कहेंगे कि साहब मेरा ये कीमती सामान अंदर गिरा है या रह गया है या चलते चलते गिर गया तो अभी हम अंदर नहीं जाएंगे, साहब को बताइए साहब हमने सब कुछ पैक कर दिया है, चीज गिर गई है। साहब आएंगे दोबारा चेक करेंगे, देखेंगे कि अगर आपके खतरे के लायक कोई चीज नहीं है तो आपको अलाउ करेंगे कि आप अंदर जा करके सामान ले आए, और अगर उनको लगता है कि नहीं खतरा है तो फिर से वो ग्लोवर चलाएंगे, फिर से वो सारी प्रोसेस करेंगे और फिर आपको अलाउ करेंगे कि हाँ आप जा करके अपना सामान लेकर जाए, ठीक है। तो जब तक सेफ्टी साहब अलाउ नहीं करते तब तक हम अंदर नहीं जाएंगे, क्लियर है, कोई डाउट? इस तरह से हम होने वाले दुर्घटनाओं को हम बचा लेंगे, नहीं तो हम अपना जान जोखिम में डालेंगे और दूसरों वाली जान जोखिम में डालेंगे, क्लियर है, कोई डाउट है, कोई सवाल मन में, कुछ सवाल हम पूछ रहे हो, कुछ पूछना है, सोचा है,
क्या सवाल आप ये बताइए जो गड्ढे का दर्द वाली है, मैं ऊपर हूँ, दुआली अंदर है और मुझे पेशाब लग गया है, तो बता नहीं गया अगर हो सकता है कि ऊपर आने जा रहा हूँ घूमने के लिए। देखो अगर वो लोग आ रहे एक घंटे से गए हुए हैं अंदर, ऑब्वियस है कि उनको भी पेशाब लग गया होगा। हाँ तो उसको बोलना जरूरी है, जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी वॉचर है अगर उसको हटने का है, ठीक है, चाहे उसको पेशाब लगी है, क्या हो सकता है कि वॉचर की तबीयत खराब होने लगे? हो सकता है कि नहीं? भाई वॉचर है, उसको भी तो गर्मी लग सकती है, उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो वॉचर की भी जिम्मेदारी है कि अंदर जो हमारे साथी बैठे हुए हैं जो काम कर रहे हैं, अगर उसको लग रहा है मेरी तबीयत खराब होने वाली है तो अंदर वाले साथियों को इन्फॉर्म करें कि भाई जल्दी से ऊपर आ जाओ, मेरी तबीयत खराब होने वाली है। तो अंदर वाले साथियों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने वॉचर की ख्याल रखें। दोस्तों ये टीम है, टीम का मतलब एक काम के लिए एकजुट होकर के, ठीक है। तो इसमें टीम के हर एक खिलाड़ी का जो है अपना अपना रोल है, ठीक है, और हर एक जब एक साथ मिल के खेलेगा तभी हम जो है जीत पाएंगे, ठीक है, तभी ये बिल्डिंग बन पाएगी। अगर सारे खिलाड़ी इधर उधर भागने लगेंगे तो फिर कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो इस टीम के लिए बिल्कुल सही सवाल पूछा इसके दोस्त ने जो है कि अगर वॉचर की तबीयत खराब होने लग जाए, वॉचर को टॉयलेट लग जाए या कुछ बात हो, तो क्या उसे पूछना है या नहीं पूछना है, क्या उन साथियों को बुलाना है या नहीं बुलाना है? बिल्कुल बुलाना है, बिल्कुल बुलाना है, इमीडिएट बुलाना है, और जब वो ऊपर आ जाए तभी इसको जाना है, इससे पहले ये नहीं जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? अपने साथी के लिए जोर से ताली बजाएं। दोस्तों अब हम लोग शपथ लेंगे, आज जो कुछ भी सीखा है उसका हम जीवन में पालन करेंगे, ऐसी हम कसम खाएंगे, ठीक है। सभी लोग अपना अपना हाथ सामने खड़ा करें और जोर से बोलेंगे, बोलिए, आज हम सभी कसम खाते हैं जब भी कन्फाइंड स्पेस में काम करने जाएंगे हमेशा वर्क परमिट का पालन करेंगे। कन्फाइंड स्पेस में अगर ऑक्सीजन की मात्रा 19.5 से कम होगी तो काम करने नहीं जाएंगे। काम करते समय कन्फाइंड स्पेस